ازعلني وازعلني وازعلني كده رجو ازعلني ازعلني مرنا مرنا اسكت دقا دي مر گئی مر گئی اب دیکھ اس کو لعنت ہے مجھ پہ بڑی افسوسناک خبر ہے چودھری صاحب اگر آپ تک نہ پہنچی ہو تو بتاؤں کیا بات کیا خبر یہ ہے کہ آپ کے شفقت کو کسی نے قتل کر دیا میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ میں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں اور جب تک تمہیں معصومہ نہیں مل جاتی میں تمہارے پاس ہوں تمہارے ساتھ ہوں آئی تھنک تمہیں میرے پاپا جان کو فون کرنا چاہیے اپڈیٹس کے لیے جو سچ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا میرا خیال ہے اب آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ معصومہ کے لیے میری انٹینشن کبھی بھی نیگیٹو نہیں رہی بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو میں آج تک اسے بچاتا ہی رہا ہوں اب اس کی قسمت میں لکھے ہوئے غم اسے مل رہے ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے خیر اسی بہانے قسمت کے کھیل پر بھی یقین آتا جا رہا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ معصومہ کے شوہر کا فون ہلو 12 گھنٹے کی مہلت ختم ہونے میں صرف 4 گھنٹے رہ گئے پتا ہے مجھے معصومہ مل گئی ہے کیا معصومہ مل گئی کہاں ہے ہاسپٹل میں ہاسپٹل میں مگر کیوں یہ تو معصومہ ہی بتا سکتی ہے مجھے بتاؤ کون سے ہاسپٹل میں میں بھی جا رہا ہوں اسے لینے کے لیے اور میرا بیٹا جب میں معصومہ کو لے آؤں گا تب تمہارے بیٹے کو بھی چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے کیا ہوا ہاسپٹل کی کیا بات ہو رہی تھی وہ انصار گل نے بتایا کہ معصومہ کسی ہاسپٹل میں میں اسے لے کے آتا ہوں آپ معصومہ کا خیال رکھیے گا اس کا شوہر اسے لینے آ رہا ہے آپ بالکل بے فکر ہیں جی تو عائشہ حیدر جی اب میرے لیے کیا حکم ہے اس شخص کو جانتے ہو ہاں جی جانتا ہوں یہ شخص ابھی مجھے بہت عجیب سی کہانی سنا کر گیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی کہانی پر یقین آ گیا ہے لیکن میں ایسے لوگوں کو خوب سمجھتی ہوں مجھے اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ معصومہ کو یہاں جان کا خطرہ ہے اور میں معصومہ کو ابھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی اینڈ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ می لیکن بس سب سے پہلے اور ضروری کام ہے معصومہ کو محفوظ کرنا باقی سب بعد میں ہے
मैडम वो एडवोकेट हिना खान आई थी, वो आपके लिए ये फाइल दे गई थी। ठीक है, रख दो इसे तुम। अच्छा, वो मासूमा को तुमने रेस्ट हाउस में ठहरा दिया था? जी हाँ, आपके कहने के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी भी दे दी है। गुड, ठीक है जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आयशा, आप कौन? जी मेरा नाम रोशन है, मैं मासूमा का शौहर हूँ। ओ, तो आप हैं मासूमा के शौहर? जी। मैडम मासूमा कहाँ है? मेरे पास है, आप बैठे। जी क्या लेंगे आप? जी नहीं शुक्रिया। मासूमा का शौहर आ गया है, आप भी आ जाइए। एक मिनट छोड़िए मुझे। मैडम जवाब दीजिए, मासूमा कहाँ है? आपसे पूछ रहा हूं मैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें वहां जाके बताऊंगा। चलो चले, चल 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 ठीक नहीं आप। चल चल। क्या ये सब? रोशन कहाँ है बाबा जान? जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। क्या ये सब? तुम इन लोगों के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। एहसान अली, लोग दो दो बीवियां रखते हैं और मैंने दो दो घर रखे हुए हैं, और वो भी बीवी के बगैर। क्या लगता है कि मासूमा की बद्दुआ लग गई है? चोई साहब, बद्दुआ लगनी होती तो सबसे पहले मुझे लगती, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे जब कनपटी पे गोली चलाऊंगा ना, तुझे पता लगेगा कि तुझे मासूमा की बद्दुआ लगी है या नहीं। साहब आप खाम खाम परेशान हो रहे हैं। ओए परेशान क्यों ना हूँ, मेरा इतना खर्चा हो गया है, 5 करोड़ इंस्पेक्टर को दिए, फिर भी यकीन नहीं है कि वो जान बचाएगा। अब ऐसे भी यार सबसे बड़ा नुकसान तो शफकत अली का हुआ, बेचारा बड़ी सस्ती मौत मर गया। मेरे होते हुए आपको वफादार की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। एहसान अली, मैंने तेरे कहने पे 5 करोड़ इंस्पेक्टर को दिया है, मार तो मैं इंस्पेक्टर को भी दूंगा, अगर मेरा काम ना हुआ ना तो तेरा टेठवा भी दबा दूंगा। चोई साहब आप खामखां जज्बाती हो रहे हैं। नहीं नहीं मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। कुछ खाएगा? चोई साहब मैडम और कितना इंतजार करवाएंगे आप? मासूमा कहाँ है? अब सारे इंतजार खत्म, आ गए हैं वो। खबरदार, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? मैडम ये हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं मुझे? आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। ये तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाके ही बताएंगे, ले जाए इसे। पुलिस स्टेशन क्यों? एक मिनट छोड़िए मुझे। मैडम जवाब दीजिए, मासूमा कहाँ है? आपसे पूछ रहा हूं मैं।
ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें वहां जाके बताऊंगा। चलो चले, चल 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 ठीक नहीं आप, चल चल। अब हमारे लायक क्या हुक्म है? बैठे इंस्पेक्टर साहब, बैठकर बात करते हैं। रोशन क्यों नहीं आया तक? अम्मी जान बताया था ना, अंसार गुल का फोन आया है, उसने कहा है कि मासूमा हॉस्पिटल में, और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? फोन करो, इतनी देर हो गई है, वो क्यों नहीं आया आखिर? अम्मी जान कर रही हूँ, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा है अब। तो बस फिर समझो कि रोशन पकड़ा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से तुम अपने फादर से बात कर लेनी चाहिए। जी, फोन मिलेगा? ये मेरा फोन नहीं, नहीं रहने दो। तुम्हारा नंबर उनके पास सेव होगा, ऐसे उन्हें शक होगा कि अब सार हमारे साथ है। तुम ऐसा करो कि तुम मेरा फोन ले लो, मेरा नंबर उनके पास नहीं होगा, इससे कॉल कर लो। हेलो बाबा जान, क्या रोशन आपके पास है? बेटा तुम कहाँ हो? बाबा जान, रोशन आपके कहने पर मासूमा को हॉस्पिटल से लेने गया था, लेकिन वो अब तक नहीं लौटा, कहाँ है वो? मैं नहीं जानता बेटा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मासूमा हॉस्पिटल में थी और बाद में वो वहां से डिस्चार्ज हो गई थी। रोशन ही उसे कहीं लेकर गया होगा। बाबा आप मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं? याद रखिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी बात कराओ उनसे। हेलो, मासूमा और रोशन दोनों गायब हैं। तो एक मिनट, हमारी मुश्किलें कब आसान होंगी। सब ठीक हो जाएगा अम्मी जान, अब सार भाई है ना, उनके होते हुए हमें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन परेशानी की बात तो ये है कि इंसार गुल भी कह चुका है कि रोशन उसके पास नहीं, तो फिर कहां गया आखिर? क्या ये सब? रोशन कहाँ है बाबा जान? जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। क्या ये सब? तुम इन लोगों के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। क्योंकि आप इन मासूम लोगों को इतने महीनों से धोखा दे रहे हैं, इसलिए इन लोगों की मदद के लिए मुझे ठीक लगा आपको धोखा देना। चलो रुक जाइए, मासूमा और रोशन भाई कहाँ हैं ये बताकर जाइए। मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता
लेकिन फिर भी बता देता हूं, वो दोनों एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, लेकिन ना तो वो मेरे पास हैं और ना ही सिकंदर अली के पास हैं। वो दोनों जहां भी हैं तुम लोग खुद उन्हें ढूंढ लो। और तुम चलो। अब कैसा महसूस कर रही है? मैं ठीक हूं, मुझे घर जाना है। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, कुछ दिन यही रहो। नहीं, मुझे यहाँ चैन नहीं आएगा, मुझे अपने घर जाना है बस। तुमने जो एड्रेस दिया था वहां कोई भी नहीं है, मैं खुद गई थी वहां पर। पता चलाने पर मालूम हुआ कि कुछ लोग आए थे वहां पर और वो उन्हें उठाकर ले गए। अभी तुम्हें भी वहां पर खतरा है। मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, तुम सबको इंसाफ दिलाऊंगी मैं। आखिर कब कब मिलेगा मुझे इंसाफ? कौन देगा? इतने सारे जुल्म कब तक सह पाऊंगी? कब तक जीने के लिए रोज मरती रहूंगी? अच्छा रोना बंद करो, कहा ना मैं साथ हूं। तेरी जीव मारूं। तुझे ये बदतमीजी बहुत महंगी पड़ेगी चोरी। शादी करना जुर्म नहीं है, चाहे वो दूसरी हो या तीसरी। किसी की मर्जी के खिलाफ उससे शादी करना ये जुर्म है। Shut up। सुनाए मुझे ये ना सुना कि एनजीओ ये कह रही है, एनजीओ वाली वो कह रही है। मैंने तुझे 5 करोड़ रुपए दिए अपनी जान बचाने का। चल साहब, मैं जो यहां खड़ा हूं आपके काम के लिए खड़ा हूं, इस तरह मुझ पर शक ना करें वरना हम खाम खा एक दूसरे का नुकसान कर लेंगे। साहब मामला सीरियस है, जज्बाती होने से कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, तू जो कहेगा मैं वो ही करूंगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने मेरे साथ कोई भी चलाकी की ना, जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मंजूर है चौधरी साहब, अब अगर आपकी जज्बाती तकरीर खत्म हो गई हो तो एक काम की बात करूं। अच्छा जी, करें। गरम खबर यह है कि अंसार गुल और आयशा हैदर एक हो चुके हैं और वो मिलकर मुझे परेशान किए जा रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। अंसार गुल ने आयशा हैदर को 2 करोड़ रुपए की ऑफर कर दी है, वो इस वजह से कि आयशा हैदर मासूमा को लेकर मीडिया के सामने पेश हो जाए और मीडिया वही छापेगा जो आयशा हैदर बोलेगी, वो बिल्कुल नहीं छापेगा जो मासूमा कहेगी। सारी बातें एक तरफ इंस्पेक्टर, तू मुझे सिर्फ ये बता कि तू मेरी जान बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है। डी,
चौधरी साहब, मैं आपकी आयशा हैदर से डील करवा सकता हूं। तेरा मतलब यह है कि अब मुझे आयशा हैदर को भी पैसे देने होंगे? जी जनाब। तेरी जीभ मारूंगी। मैंने कहा ना कंट्रोल करे, वरना मारे जाएंगे सबके साहब। हम इंस्पेक्टर, ये चलो अंदर रखो। तुम जाओ मैडम से डील करो और अंसार गुल से बढ़कर बोली लगाना। जाओ। हमारा पैसा खाता है, हम पे आके दिखाता। ये तूने क्या डील की इसके साथ? आपको जज्बात में आके गलत काम करने से रोका है। अब आप मेरी बात सुने ध्यान से। ये सब जाल फैलाया हुआ है लालच का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये इंस्पेक्टर और आयशा हैदर मिले हुए हैं। आपको अलग और अंसार गुल को अलग लूटने का प्रोग्राम है। तो इसका हल क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है, और वो है आयशा हैदर की मौत। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ हो जाएगा। मैं भी नहीं सोच सकता था बाबा जान कि आप मजलूम लोगों पर जुल्म की इंतहा कर देंगे। फजूल बातों से इज्तनाब करो, तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना पड़ेगा बदतमीज। अफसोस इस बात का है कि एक बाप अपने बेटे के लिए उसकी लिमिट्स डिफाइन करने का मजाज है, लेकिन एक बेटा अपने बाप के लिए ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, तुम्हारी मां ने वरगलाया तुम्हें मेरे खिलाफ, बस। कौन सा जुर्म कर रहा हूं मैं? हाँ, ये जुर्म है दूसरी शादी करना? दूसरी नहीं, तीसरी शादी। शादी करना जुर्म नहीं है, चाहे वो दूसरी हो या तीसरी। किसी की मर्जी के खिलाफ उससे शादी करना, ये जुर्म है। Shut up! मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हारी बकवास। अब अगर तुमने मेरे मामलात में दखल अंदाजी की तो मैं तो मुझे यकीन है मुझे जान से नहीं मारेगी। इकलौता बेटा हूं मैं आपका, और वैसे भी आपके मामलात कुछ खास शफाफ नहीं है जिसके लिए आप मुझे संगीन सजा देने के हकदार हो। अलबत्ता एक धमकी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम पे भरोसा करके। मुझे क्या पता था कि अपनी खुद गर्जी के मामलात में तुम्हारे अपने बेटे की भी कोई औकात नहीं है। चौधरी साहब बहुत तेज औरत है, उसने रोशन को गिरफ्तार करवाकर मासूमा को अपने कब्जे में कर लिया है। इस सिलसिले में उसने सिकंदर चौधरी को भी अपने साथ मिला लिया है। इंसार गुल चौधरी अब पुलिस की हिरासत में है मासूमा, बस उससे उगलवाना बाकी है कि उसने तुम्हारी अम्मी और बहन को कहां छुपा कर रखा है। ATV, सारे रंग हमारे।